वेलकम बैक इन माई किचन। तो गाइज आज आपको सुपर ईजी क्विक हाई प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट रेसिपी बताने वाले हैं, जो कि आपको मैंने अपने यू नो वन ऑफ द सोर्सेज, जो अभी टॉप 5 वेजिटेरियन सोर्सेज बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और गाइज अभी हम बनाने वाले हैं सबसे पहला जो वेजिटेरियन सोर्स है, दैट इज सोया चंक्स। तो अभी मैंने बहुत ही हार्ड कोर वर्कआउट किया है 80 मिनट्स का, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 800 कैलोरीज बर्न करी है, एंड हैंड अमेजिंग वर्कआउट। तो गैस आपने देखा ही है क्लिप। तो गैस अब मैं 50 ग्राम सोया चंक को बॉईल करके खाने वाला हूँ। वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी, विद इन 5 मिनट वो रेडी हो जाती है। तो ये गैस बनाते हैं, मेरे को ऑलमोस्ट 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज़ गुड इनफ पोस्ट वर्कआउट। तो आइए गैस। तो गैस सबसे पहले चाहिए आपको वेइंग स्केल और चाहिए एक बाउल जिसमें आप मेजर करें। तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी में ही बॉयल करूँगा। तो ये है मेरे पास सोया चंक्स, तो आइए लेते हैं 50 ग्राम है सोया चंक्स। अब हम इसको करेंगे बॉयल और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस और हमारा हो जाएगा मील रेडी। गाइस सोया चंक्स में पानी डाल के अब इसको बॉयल कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप यू नो और इसको टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप वर्कआउट करने से पहले इसको सोक कर दें, क्योंकि मैं आज भूल गया था। तो अभी क्योंकि आज मैं पोस्ट वर्कआउट शेक नहीं बना पाया हूँ क्योंकि घर में चल रहा है काम, तो अभी मैंने इसको क्विक रेसिपी बनाने के लिए जस्ट ट्राई सोया चंक्स ली हैं गाइस, और अभी ये इसके अंदर डाली हैं और अब ये फुल गैस पे बॉईल होंगी और बॉईल करके इसको ड्रेन करेंगे और फिर डालते हैं स्पाइसेस। देख सकते हैं आप फुल बॉईल आ चुका है। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगा और थोड़ी देर इसको गर्म पानी में हम रहने देंगे सो दैट ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसको 5 से 10 मिनट बाद हम इसको खाएंगे। गाइस मैंने इसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है और अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। एक है मेरे पास पिज़्ज़ा मिक्स मैजिक मसाला, जिसके अंदर बहुत सारी स्पाइसेस हैं, जैसे कि गार्लिक, ओरिगैनो, ब्लैक पेपर, बेसिल, चिली फ्लेक्स, पार्सले, सॉल्ट। तो ये डालने के बाद थोड़ी सी डालेंगे केचप और इसको एंजॉय करेंगे। कॉफ़ी भी डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छे से आपकी सोया चंक्स पे कोटिंग हो जाए। आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हो तवे पे, या अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे सोक करके मैरिनेट करके भी खा सकते हो। तो यू कैन यू नो मेक एक्सपेरिमेंट्स। और अब इसको हम सर्व करेंगे, इट इज़ रेडी टू सर्व। अभी मैं इसको एंजॉय करूँगा क्योंकि बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करने के बाद दिस इज़ द परफेक्ट मील। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास यू नो रिसोर्सेज नहीं है, तो आप ये मील एंजॉय कर सकते हैं। वेरी चीप, इजी टू मेक, एंड यू विल गेट गेन्स
फॉर श्योर। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। एंड गाइज ऐसे ही आपको सिंप्लीफाइड रेसिपीज, वर्कआउट, व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को आप हिट करें सो दैट यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो आए। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब मैं एंजॉय करता हूँ इस मील को। बाय बाय।